Which school did you go to? I went to a school called Xavier Convent. My coach took me to that school because our academy was opening. And school वालों से ये deal थी कि हम school की team बनाएंगे, तो लड़कों की admission करवा देंगे और school की एक strong team बनाएंगे. मतलब बचपन से deal? यार मैंने नहीं deal करी. उस time school cricket बहुत strong थी ना दिल्ली में. तो वो तो थी. हाँ. उसका बहुत अच्छे tournaments होते थे. तो उस चक्कर में मेरे को school change करना पड़ा. Canteen में क्या मिलता था? कैंटीन में वेज पैटी 5 रुपए वाली और समोसे छोले कुलचे लेमन सोडा बर्गर ब्रेकफास्ट टू चैंपियंस. यू नो यू वर बीइंग फास्ट ट्रैक एंड देयर वाज दिस टॉक इन द मिडिल के जैसे मैनेजर्स को फास्ट ट्रैक करते हैं वैसे विराट को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं. डिड यू हियर दिस टॉक अराउंड यू? डिड यू एवर फील दैट ड्यूरिंग माय इनिशियल डेज? या ड्यूरिंग इनिशियल डेज अबाउट अ ईयर इन. या या अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद ही शुरू हो गया था. अभी यू नो पीपल आर लुकिंग एट यू, पीपल हैव सीन यू प्ले, शायद तू इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाए. तो आई स्टार्टेड थिंकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट आईपीएल में आई हैड टू मच प्रेशर ऑन मी बिकॉज I was thinking about the expectations कि यार मुझे अच्छा IPL करना ही है because I might have a chance to play for India. Yeah. IPL was a disaster for me first year. The team did not do well, so I was nowhere in the picture. But then coincidence तो मैं believe नहीं करता कि कुछ होता है. Everything's meant to be. तो ऑस्ट्रेलिया में वे प्लेइंग एंड दिलीप वेगसारकर वॉज द चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स दैट टाइम एंड ही हैड टू कम टू वॉच अ कपल ऑफ गेम्स इन ऑस्ट्रेलिया. सो वी आर प्लेइंग अ गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड ए और वो भी सीरीज मेरी अच्छी नहीं जा रही थी. आई वॉज ड्रॉप फ्रॉम द टीम. सो दैट वेरी गेम 3-4 पीपल इंसिस्टेड कि यार इसको चांस दे सकते हैं एक और. आई थिंक तो प्रवीण आमरे वॉज द कोच. सो ही आस्क्ड मी वेदर आई विल ओपन द इनिंग्स. आई सेड सर आई विल ओपन, आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले, मेरे को खिला दो. तो दिलीप वेंगसारकर वॉज ड्यू टू अराइव दैट डे एंड बाय द टाइम ही अराइव 15 मिनट बाद हमारी बैटिंग शुरू हो गई. इट जस्ट कम फ्रॉम द एयरपोर्ट, सीधा बैटिंग शुरू हुई. आई ओपन द इनिंग्स एंड कोरी एंडरसन, क्रिस मार्टिन एंड टिम साउदी भी था उस टाइम. तो आई स्कोर्ड 120 नॉट आउट. शिखर एंड मी ओपन एंड ही सॉ मी प्ले एंड ही हैड सीन मी प्ले पहले. सो ही मेड अप हिज माइंड कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा. सो व्हेन यू जॉइंड, हु इज ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट सचिन, वी हैव टू टॉक अबाउट सचिन, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू फर्स्ट वेंट टू ड्रेसिंग रूम और फर्स्ट वेंट टू प्रैक्टिस एंड बैटिंग? पहला मेरा एक तो इंटरेक्शन बहुत फनी था. फर्स्ट इंटरेक्शन मैंने प्रिपेयर सिर्फ 2 दिन से यही किया कि मेरे को उनसे मिलना है. इंडियन चेंज रूम में ना जाके मेरे को सचिन तेंदुलकर से मिलना है. अच्छा, अब इन लोगों को ना पता चल गया, मैंने किसी ना किसी से तो बात करी कि यार मेरे को बड़ी ना घबराहट हो रही है. इन्होंने प्लान बनाया, कहते हैं कि जो टीम में नया आता है वो पहले माथा टेकता है पाजी के पैरों में जाके. अच्छा, मैं सीरियसली मान गया इनकी बात. मैं गया हूँ, हेलो पाजी, अरे हाय हाउ आर यू. मैंने कहा आई एम गुड. मैं नीचे जाने लगा, कह रहे क्या कर रहा है. मैंने कहा इन लोगों ने बोला कि आके माथा टेकना होता है आपके पैरों में. तो कहते नहीं नहीं यार, तेरी टांग खींच रहा है. मेरा पहला इंटरेक्शन वो था. और ये किसने बोला था? यूवी ने बोला था कि भज्जी ने बोला था? यूवी पाजी, भज्जू पा, मुनाफ पटेल एंड इरफान पठान. मुनाफ पटेल वॉज द बिगेस्ट इंस्टिगेटर इसमें. कि मेरे को कन्विंस ही कर दिया, नहीं करेगा तो सब देख ले तेरा क्या होगा, हमें हम तो गारंटी नहीं लेते, ये तो करना ही पड़ेगा. मतलब मैं ब्रेन वॉश हो गया था. बट जब मैं विदाउट बिफोर अप्रोचिंग हिम, व्हेन आई वाज मेकिंग अप माय माइंड कि यार कैसे मैं जाऊं, आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग डायरेक्टली ऑपोजिट टू हिम इन द चेंज रूम एंड ही वॉज राइट इन फ्रंट एंड ही वॉज ऑर्गेनाइजिंग इन स्टफ एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हिम लाइक दिस. मतलब मुझे टाइम रजिस्टर करने में लग रहा था कि ये सच है. Yeah. कि बीच में कोई टीवी स्क्रीन नहीं है. Yeah. तो दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट. व्हाट डू थिंक अबाउट कंपैरिजंस? आई डोंट बिलीव इन देम. कंपैरिजन एक तो होता है कि चलो बंदों का कंपैरिजन हो सके. तुम मेरा कंपैरिजन ऐसे इंसान से करते हो जिसकी वजह से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया. स्किल लेवल में कोई मुकाबला ही नहीं है. इज द मोस्ट कंप्लीट बैट्समैन एवर. कहाँ से कंपैरिजन हो सकता है? आई हैव ऑलवेज सेड इट्स नॉट फेयर ऑन हिम. Because of what he's given us, yeah, he doesn't deserve to be compared to us, yeah. In this generation, no chance. Is that the most, I guess, 2011 would be, no? Actually, let me just ask you, what is the most, even if I name you three, if you can't name one, the most special moment of your playing career? 2011, one. 2013 Champions Trophy, two. And Test victory at Lord's, yeah. Number three. Those three have to be the most special, yeah. I feel. Going into the 2011 final, do you remember the previous evening? I just remember, तुम bread पे bread पहले जाओ. I just remember last time. चोर. I just remember walking in and watching my idol come out after getting out. Yeah. And walking into one kid, I felt like
कि यार या तो ये लोग भूल गए हैं कि मैच इंडिया में है या इन्हें लग रहा है मैं नंबर 11 का प्लेयर हूँ कि कोई उम्मीद ही नहीं है कोई शोर ही नहीं मचा रहा है यार थोड़ा तो कुछ तो ये कोई तो बोले ये ये बड़ा अच्छा कोई तो इंडिया में हो रहा है भाई कोई तो मैंने देखा भी था एक दो बार ऊपर में प्लीज एनीवन मतलब बिल्कुल शांति ऑब्वियसली है सचिन तेंदुलकर हैज गॉट नाउ वर्ल्ड कप फाइनल we all wanted him to get runs and win it for India they all wanted him to get runs and win it for India yeah cut to we are 28 for 2 I'm walking in Malinga is bowling and he's picked up Sehwag and Sachin both aur main yahi pray kar raha tha maine kaha bhagwan ye yorker na mare bas pehli na mare bas ek ball mein khel lu uske baad theek usne length ball dali maine defense kar di uske baad mera thoda relax ho gaya us time tak to mujhe kuch hosh nahi tha kya ho raha hai your famous statement in 2011 भाई वो स्टेटमेंट 2011 सुनने के बाद ना हम सबने कहा वो भी पता नहीं कहाँ से आ गई यार उस टाइम तो इतनी इंग्लिश आती भी नहीं थी हाँ कहाँ से निकल के आई वो ही कैरीड अस ऑन हिज शोल्डर्स मुंह से निकलेगी और कहाँ से निकलेगी पक्का क्योंकि एक बारी कोई एड शूट होता था जहाँ पे कहीं और से भी कुछ निकल सकता था कौन सा एड शूट जो वॉरियर वाला ओ ब्लडी हेल कपड़े फट गए मत याद दिलाओ ओ माय गॉड किसने फाड़े नहीं थे वैसे होते फाड़े नहीं थे मुझे एक मैं वाज डूइंग एन एड they made me look like a superhero और सूट मुझे दिया बिल्कुल मतलब स्किन टाइट जो हम वो नहीं पहनते स्किन्स जो बोलते हैं बॉडी आर्मर पूरा मैं बड़ा कूल फील कर रहा था मेरे हाथ में उन्होंने बैट दिया हुआ है कहते हैं आपने बॉल मारनी है लेज़र लाइट्स लगी हुई है आपने यहाँ से निकलना है वहाँ से निकलना है मैं चलो जी करेंगे बड़ी अच्छी सेटिंग थी थोड़ी देर में ना करते करते मैं एक्साइटेड हो गया तो बड़ा इंटेंस शूट चल रहा था उसके बाद थोड़ी देर बाद ना मुझे ठंड लगने लगी नीचे थोड़ी मुझे हवा सी आई मैंने कहा यार पता नहीं क्या है मेरा कॉस्ट्यूम इतना नीचे से फटा हुआ था ऊपर से मैं दिख रहा हूँ स्लीक सुपर हीरो नीचे से फकीरों वाले हाल मेरे नीचे से पूरे मेरे कपड़े फटे हुए वो मेरे को बहुत एम्बैरेसिंग और मेरा अंडरवेयर भी थोड़ा चमकीले से रंग का था इतने पैसे नहीं देते उन्होंने मैंने कहा यार सुई धागा तो लगाने दो कुछ तो करो खिलने तो दो उसके बाद बिकवा लेना जो बिकवाना है फटे कपड़ों में बेच गया क्रिकेट के बाद तो ये सीखने को मिल गया है कि कुछ भी कभी भी फट सकता है एब्सोल्युटली क्रिकेट में तो कभी भी फट सकता है डर तो लगता है दूसरी तरफ अगर रविंद्र सहवाग बैटिंग कर रहा हो या हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहा हो कि भाई मैं तो क्रिस गेल तक के साथ खेला हूँ सही बात वो तो सामने मारता था मुझे एक बार ना एक कुमार धर्मसेना एक अंपायर है तो बैंगलोर में मैच चल रहा था तो क्रिस गेल भाई साहब पूरे अपने जोश में थे उन्होंने सामने वाली टांग साइड में रखी और बॉल आ गई रडार में उन्होंने सामने मारी तो मैंने मेरे पास इतना ही टाइम था मैंने ना यूँ किया बस मैट्रिक्स वाला ही मूव हो पाया मेरे से बॉल निकल गई साइड से तो मेरे को अंपायर क्या बोल रहा है कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग मैंने कहा क्या हुआ व्हाट हैपेंड कहता है लिसन व्हेन क्रिस हिट्स गो लाइक दिस डोंट गो लाइक इफ बॉल हिट्स योर हेलमेट एंड इट कम्स टुवर्ड्स मी आई एम डेड मैंने कहा ओके नाउ आई अंडरस्टैंड उसकी इतनी दहशत थी अंपायर तक डरते थे ऐसे खड़े रहते तो Who are the bowlers that you have in the beginning of your career you saw and said, "Oh, see, ye to non-striking adsi acha lagega." See, I never faced Shoaib Akhtar, yeah. But I've seen him in a game in the Ambula against Pakistan. I got out, I couldn't face him, but I saw him bowl, and he looked even at you know the later stages of his career, he looked very lethal. So. वो देख के मुझे लगा यार ये जब पीक पे बॉलिंग करते होंगे तो मतलब ऐसा ही लगता होगा कि दूसरे एंड पे ही रहो ऑल्सो मोहम्मद इरफान टॉल गाय वो तो फर्स्ट फ्लोर से डालते हैं ना मैंने एक्चुअली वर्ल्ड कप मैच से पहले संजय बांगर इज़ आर बैटिंग कोच सो उन्होंने एक आई डोंट नो एक फुट का कोई वो था स्टूल टाइप था तो वहाँ पे खड़े होके वो बॉलिंग एट में टू प्रिपेयर फॉर दिस गाय सो ही वॉज एबनॉर्मली यू नो कुछ अजीब था इतना बाउंस होकर बॉल यूज टू गो फ्रॉम हियर मुझे अभी भी याद है 2020 मैच था बैंगलोर में तो मी एंड युवा और बैटिंग तो आई ट्राइड टू पुल हिम तो युवा कहते हैं बाउंस हो रहा है कट मार तो जब मैंने पुल मारा तो बॉल इतनी ऊपर से गई मुझे समझ नहीं लगी मैंने कहा ये क्या हुआ कह रहे वो लंबा है कट मार विद द पेस मैंने कट मारा फिर इतनी ऊपर से गई कह रहे रहने में कह रहे इस तरफ आ जा मैंने कहा मेरी हाइट इतनी है मैं पहुँच नहीं पा रहा The last 10 years, have you ever woken up not feeling 150% passionate? Because I believe you wake up feeling 150% passionate every day when you go to play. Everyone has off days. I've woken up feeling
sense of detachment from what I'm doing. Yeah. यार मुझे नहीं करना. But that has been because of excessive pressure that's been on me during a difficult phase. But still, I've had the ability to still tell myself, नहीं, I'll go out and try once more. जिस दिन वो खत्म हो गई ना कि go out and try once more, फिर नहीं आप कर सकते हो. फिर no one can convince you. No chance. So what is the motivation? Motivation is just about winning. जिस दिन passion खत्म हो गया, I'll stop playing. I'll never want to drag myself for more than my body can take. जिस दिन I feel like, यार I'm standing on the field thinking, यार why am I doing this? मतलब वो passion नहीं है ना जीतने का, वो energy नहीं है जीतने की, मैं नहीं खेल सकता हूँ, मैं खेल ही नहीं सकता हूँ. Then there'll just be a participation thing कि चलो आपको skill है, आपको खेलने का idea है, तो आपने run बना दिए, performance कर दी. But if I can't contribute to the team, I won't play. Now everybody keeps asking you questions about your great form. But you're a thinking person, you're a practical person, you've seen everybody else's long careers. एक ट्रफ तो आता ही है, सबका आता है कि एक भाई कभी ना कभी तो होगा कि नहीं मिलेगा बल्ले का बीच, जो भी कर लो. Is that something that you think about? Is it something that, or is it a passing thought? यार मेरे साथ आ तो चुका है एक बार इंग्लैंड में 2014 में. That I think was my worst phase in terms of inconsistency. बाकी अभी ना जैसे परफॉर्मेंस हो जाती है 4-5 साल तो लोग वेट करते हैं कि कभी ना कभी तो बुरा टाइम आएगा. मेरे लिए एवरी मैच इज लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई गो आउट देयर एंड आई ट्राई टू डू माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज. मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी को कुछ प्रूव करना है या मेरी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, अब लोग मेरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं मुझे ऐसे खेलना. बॉल देखी, खेल दी, मैच जिताना है, रन बनाने हैं, फील्डिंग में पूरा एफर्ट करना है, चाहे रन बने ना बने, उतना ही मेरा माइंडसेट है और वही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. तो जब बैड फेज आएगा तो सर सीखने का अपॉर्चुनिटी है. जितना मैंने उस इंग्लैंड वाले फेज से सीखा, आई डोंट थिंक आई हैव लर्नड इन माय क्रिकेट करियर मोर बिफोर और आफ्टर दैट पर्टिकुलर फेज. सो द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इनिशियली वॉज टू गेट ओवर दिस फेज ऑफ पीपल जजिंग मी फॉर माई इमेज. You know, कि टैटू है मेरे तब. I used to wear those studs then and बालों में जेल था and all that. I used to like to, dress up. Style है भाई? अपने? लोगों को प्रॉब्लम होती थी, अरे इनमें तो ये आजकल के लॉन्डे तो बहुत वो है, बहुत फ्लैम्बोयंट है, बहुत फ्लैशी है. शरीफा कहते हैं ना दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग. क्या कहेंगे लोग, एब्सोल्युटली, दैट्स सो ट्रू. मैंने बेस्ट क्या किया है अभी कि मैं सोशल मीडिया वगैरह से मैं दूर ही हट चुका हूँ. एंड It's the best thing that I've done. Actually, incidentally, last IPL only, me and Anushka had come to see me to Bangalore. Aur main Instagram pe tha. So she told me ki, why do you have to look at or see what people are saying about you? Yeah. You want to post things, you still can, but you don't have to physically see it yourself. Yeah. I want to post stuff. Yes, I post stuff. I send all the content. I post stuff myself, but I don't want to read any comments. Yeah. Or kya matlab, it's peace of mind like no other. Because फिर होता क्या है ना कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे तब प्रॉब्लम होती है. आप कहते हो लोग क्या अच्छी बातें बोल रहे हैं मेरे बारे में, और जब खराब करते हो वही आदमी हफ्ते बाद आपकी बुराई कर रहा है. Yeah. फिर आप कहते हो यार ये आदमी ने मेरी बुराई कैसे कर दी. फिर आप प्रेशर में आ जाते हो कि अब तो मुझे परफॉर्मेंस करनी है उस आदमी के, उस आदमी के लिए, वो एक शख्स. तो अभी मैं कट कर दिया है यार. एक तो ना इन चीज़ों में टाइम असाइन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. सोशल मीडिया इट्स वट एवर गुड इट डज द कॉन्स आर इमेंस. अभी तो मुझे ना सेंस हो जाता है मेरी, अब इतनी बार लोग फोटो या वीडियो लेने की कोशिश करते हैं, सेंसेस ना शार्पन हो जाते हैं. मतलब मैं खाना ऐसे मुंह में जा रहा हूँ और वो वीडियो बना रहा है. मैंने कहा तू क्या बनाना चाहता है, कि पालक मेरे दांत में फंसे और फिर तू उसको जूम कर करके दिखाए. मतलब क्या मोटिवेशन है यार. ऐसे तो शादियों में वीडियो होते थे ना खाते हुए. वैसे फील आती है वो पंखे के आगे खा रहे होते ना भल्ले, दही भल्ले, तूफान फैन होता था उसके ऊपर एक वो ड्रॉप चलती रहती है पानी की जब ज़्यादा गर्मी होती है. वहाँ पे सब डिस्कशन होती है पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्रिकेट में क्या होना चाहिए, सब पता होता है उनको. वो तूफान फैन के आगे इस देश के सारे डिस्कशन हो चुके हैं इम्पोर्टेंट. सारे तूफान फैन के आगे से शुरू होते हैं पूरे, भल्ले नहीं छूटते उनके. दही और चटनी गिर रहे होते हैं साइड में. बट अच्छा है कि दिल्ली का छोकरा है यहाँ पे, बिकॉज दैट्स व्हाट आई सी आफ्टर नोइंग यू फॉर सो मेनी इयर्स. व्हेन आई सी यू नो गिविंग ऑल सीरियसली एक्चुअली द बॉयज, हल्की सी हंसी आ जाती है मेरे को थोड़ी सी, और फिर मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ. मैंने कहा यार जेंटलमैन सर, लेडी लक का कमाल है. हमें तो आपने देखा है, हमें तो अकल थी नहीं कोई लाइफ में. जब से
lady has come into my life. She's taught me a lot of things. तो काफी समझ आ गई है. काफी अकल आ गई पिछले चार सालों में. All because of her. तहजीब सिखाई उन्होंने, ठहराव सिखाया. बिल्कुल सर, ठहराव सिखाया. और जिस पोजीशन में हो लाइफ में उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है सब वहीं से सीखा. बट उस टाइम भी मैंने आई नेवर ट्राई टू बी एनीवन एल्स. मतलब आई नेवर ट्राई टू टेल माई सेल्फ कि यार मुझे यू नो आई शुड बी रीडिंग बुक्स और आई शुड बी डू. मतलब दोज आर ग्रेजुअल थिंग्स यार. इफ यू लाइक इट यू लाइक इट. सो लकीली मैं कभी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी नहीं. बट द फ्लिप हैज बिन बिकॉज ऑफ हर. इंग्लैंड में 2014 में अनुष्का वॉज देयर इन माई लाइफ. शी अंडरस्टूड व्हाट आई वॉज गोइंग थ्रू. सो शी केप्ट मी मोटिवेटेड. यू नो हर सपोर्ट हेल्प मी पुश थ्रू हाउएवर बैड इट वॉज फॉर मी. बट शी वॉज अ कॉन्स्टेंट इन दैट टाइम. एंड देन ऑस्ट्रेलिया हैपेंड एंड शी वॉज स्टिल देयर एंड आई एंडेड अप स्कोरिंग रन्स व्हेन शी वॉज यू नो एट इन हर प्रेजेंस. So it was a special thing for both of us because she also faced so much flack. ऐसे हमको ऐसे criticize किया जा रहा था कि देखिए ऐसा ही होता है जब girlfriends को allow कर दिया जाता है tour पे. तो मैंने बोला यार अगर तुम लोगों को ठीक नहीं लगता है तो कोई relationship भी नहीं रह सकता है क्या. मतलब तुम्हारे हिसाब से या तो शादी करो या अकेले घूमो. ऐसे कैसे होता है. एक बात बताओ, but in a country where everyone is so quiet about these things and what you always from the beginning which has been great. You've been open about saying boss ko galat kaam thoda karta hu yaar. iska na pyar kiya to karna ke. absolutely iska bahut bada reason na ek to Mr. Zahir Khan. Luckily he was the one of the first guys I spoke to about this and he said jo tujhe karna hai na don't try to hide it. Because usse kya hai ki tujhe khud ko ek to bahut stress ho jayega. ऊपर से यार यू आर इन अ रिलेशनशिप. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. यू नो यू नॉट कमिटिंग क्राइम. तो आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल कि माय फर्स्ट इंटरेक्शन अबाउट दिस वाज विद जैक. एंड ही टोल्ड मी द राइट थिंग टू डू. सो आई फॉलोड इट एवर सिंस. आई मीन वी डोंट गो आउट देयर एंड बी मैडली वोकल अबाउट इट और यू नो हैव सोशल मीडिया कॉन्वर्सेशंस व्हिच मेरे को तो समझ नहीं आता यार कि मतलब आपस में बोलो ना बोलो सोशल मीडिया पे जरूर बोलना है. आई मिस यू. अरे दूसरे कमरे में बैठी है वही ना टाइप करना है दिखाना है. वैसे लेवल पे नहीं है बट यार वी डोंट हाइड इट. इट्स गुड दैट यू स्पोक विद जैक. व्हाई. क्योंकि हमारे दो चार और भाई लोग हैं उनसे बात की होती तो अलग एडवाइस मिलती. मैं बोल तो रहा हूं ग्रेटफुल सबसे ठहराव वाले आदमी से बात की गई. Which is what I love about him. He's very sorted. Zach in his is thinking. The best. Zach is the best. Any life problem anyone has, speak to Zach. His number is. Call Zach. Thank you. Green tea ला दीजिए please. Green tea उनको. नींबू के साथ. Thank you. अच्छा मैं आपके लिए gift लाया था. Oh, present. लो. Thank you. ये है हमारी साउंड दैट इंस्पायर्स अकूस्टिक्स कंपनी के हेडफोन्स. ट्राई करके देखो. ये आपकी अपनी कंपनी है. हाँ मतलब इकलौते वारिस. जी मैं वो ग्रुप ऑफ कंपनीज के इकलौते वारिस. जी नहीं कोली ग्रुप ऑफ कंपनीज. मैं विकी बेटे बोलने वाला नहीं हूँ. गुड मॉर्निंग विकी बेटा. गुड मॉर्निंग अंकल. नहीं अभी वो वाला हिसाब नहीं हुआ बट द लुक गुड है. क्वाइट नाइस. व्हाट है नॉइज कैंसिलेशन नहीं है. गलत प्रोडक्ट मत बेचो. ओ सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम करना भूल ही गए. क्या. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. मैं अपना पीछे हूँ ना. ये दूसरा हो गया अभी. इवनिंग विद चैंपियंस. ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस सब्सक्राइब करना. वैसे हम हमेशा ब्रेकफास्ट खाते. ये बहुत बिजी हो गया है अब. देखो कोहली एंटरप्राइजेस का इकलौता वारिस. आई वांट टू थैंक यू. आई नो बिटवीन प्लेइंग सो मच क्रिकेट एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड द फुल रेडी टू टेक आउट टाइम टू डू. गाड़ी में पड़ा ठेला. क्या खरीदोगे आओ. आना हवेली पे आना. I like your t-shirt. Thank you. You're welcome. Japan. You're sweet. Okay, that's a good way to sign off. That's a good way to sign off. Yes, sir. Bachcha. अगर आप इस वीडियो को अगले 10 सेकंड में चार लोगों के साथ शेयर करेंगे तो अगले आधे घंटे में आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा. तथास्तु. यहाँ पे सब्सक्राइब करें और यहाँ पे पुराने एपिसोड देखें. जुग जुग जियो.